हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमाद्री पश्चिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में, और आज का हमारा प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको एक सैंपल दे दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो सैंपल, ठीक है, जो सैंपल आपको दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो कंपाउंड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ आपको मटेरियल्स बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स रखा हुआ है जिसमें टेस्ट ट्यूब्स है। ठीक है, ये है हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, ये है स्पैचुला। ठीक है, ये है ड्रॉपर। ठीक, और यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जिसकी हमें रिक्वायर्ड होगी टेस्टिंग के लिए। पहला केमिकल है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा केमिकल है एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल। ठीक है, एंड ये है हमारा कंपाउंड जिसकी हमें टेस्टिंग करना है, सुक्रोज। एंड ये है कॉपर सल्फेट जिसका सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। एंड ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सॉल्यूशन भी हमने प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमने आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट का सैंपल, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि वो जो सैंपल है उस सैंपल में पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे, फिजिकल एनालिसिस करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुक्रोज दिखता कैसे है और ये होता कैसे है। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम सुक्रोज का थोड़ा सा अमाउंट लेंगे। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हम क्या डालेंगे, इसमें सैंपल डालेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि इस सुक्रोज जो है ये सॉलिड है। ठीक है, व्हाइट कलर का है। ठीक है, देन ये क्रिस्टल के फॉर्म में है। सुक्रोज मीन्स शुगर, आप सभी जानते हैं शुगर कैसा दिखता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसा दिखेगा, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि इसका स्टेट कैसा है, सॉलिड है, क्रिस्टल है एंड वाइट कलर में। ठीक है, इसकी ऑर्डर कैसी होगी, मीठी होगी क्योंकि शुगर है, तो जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि ये जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे वाटर में सॉल्युबल करके देखते हैं। मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स क्या डाले, वाटर के डाले। ठीक है, ये हमने वाटर ऐड किया इसमें। अब इसे हम क्या करेंगे, शेक करेंगे, अच्छे से शेकिंग करेंगे ताकि सैंपल क्या हो जाए, वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए आफ्टर शेकिंग आप देख रहे हैं कि ये सैंपल क्या हुआ, हमारा वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चेक करेंगे कि ये जो सैंपल है, इस सैंपल में फंक्शनल ग्रुप, आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो जो टेस्ट हम इसमें करने वाले हैं उस टेस्ट का नाम है मॉलिस टेस्ट। ठीक है, मॉलिस टेस्ट में हम करते क्या है, इस सैंपल में हम एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल की कुछ ड्रॉप्स को डालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हमारा एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल। अब इस एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल की हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल लिया। एक चीज और, ये एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल बनता कैसे। ठीक है, एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल जो होता है, एल्कोहल, ठीक है, और अल्फा नेप्थॉल दोनों की इक्वल क्वांटिटी को लेके क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। दूसरी चीज ये कि अल्फा नेप्थॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे किस में डिजॉल्व करते हैं, एल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं। अब हम इसकी कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, कुछ ड्रॉप इसकी इसमें ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हैं उसमें इसमें कुछ प्रेसिपिटेट लाइक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, आपको दिख रहा है इसमें व्हाइट टाइप का प्रेसिपिटेट लाइक स्ट्रक्चर बना है। क्यों बना है,
क्योंकि वो जो अल्फा नेक्टॉल है, एल्कोहलिक अल्फा नेक्टॉल, उसने क्या किया, सुक्रोज के साथ केमिकल रिएक्शन किया और वाइट टर्बिडिटी वाइट टर्बिडिटी को उसने क्या किया, बनाया। ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हम कुछ ड्रॉप्स, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स वॉल की सहायता से डालेंगे। किसकी सहायता से, वॉल की सहायता से। ध्यान से देखिए, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, अब इसकी कुछ ड्रॉप हम क्या कर रहे हैं, वॉल की सहायता से डाल रहे हैं। ये हमने इसमें वॉल की सहायता से डाला। अब देखिए नीचे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, नीचे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए नीचे क्या बना, वायलेट कलर की रिंग बनी। जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब की वॉल की हेल्प से डाला, तब क्या बना, नीचे वायलेट कलर का स्ट्रक्चर, मीन्स वायलेट कलर की एक रिंग बनी। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल भी हिलना नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर आप टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे तो ये रिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। ठीक है, अब अगर ये रिंग आपकी डेवलप हो गई है, इट मीन्स कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गया। हमने अब पता कर लिया कि हमें जो सैंपल मिला था उस सैंपल में क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, कौन सा कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम इसमें स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। अब हमको ये जानना है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, कौन सा कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में हमारा सैंपल डालेंगे। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल डालने के बाद हम इसका क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वा सॉल्यूशन क्या, कैसे बनाते हैं, हम इसमें कुछ वाटर की क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, इतना वाटर ऐड करेंगे कि वो उसमें क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। देखिए ये वाटर में क्या हो गया, कंप्लीटली सॉल्यूबल हो गया। ठीक है, अब इसके स्पेसिफिक टेस्ट के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट की 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। तो मैंने बताया था, देखिए मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट की मैं 3 से 4 ड्रॉप किसमें ऐड करूंगी, इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ऐड करूंगी। ठीक है, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं इसे शेक करूंगी ताकि शुगर और कॉपर सल्फेट के बीच क्या हो जाए, अच्छे से केमिकल रिएक्शन हो जाए, ताकि हमें रिजल्ट क्या मिले, स्पीड अप में मिले। अब कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। देखिए मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब इसकी कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें डालूंगी। जब मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप इसमें डालूंगी, तब आप देखिएगा कि ये किस में कन्वर्ट होता है। ये देखिए मैंने इसमें ऐड किया, आप देख रहे हैं इसमें कलर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसे शेक करूंगी, देखिए ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसमें एनएएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा, डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमें कौन सा कलर मिला, ब्लू कलर मिला। ब्लू कलर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है,
सुक्रोज कंपाउंड प्रेजेंट है। सुक्रोज है जो कि इस टेस्टिंग के दौरान कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर डेवलप करता है। तो ये था हमारा आज का कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, जिसमें आपने देखा कि यदि आपको कोई भी सैंपल प्रोवाइड कराया जाता है तो सबसे पहले आप उसमें क्या टेस्टिंग करेंगे कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। यदि हमें पता चल गया कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तब हम उसमें प्रेजेंट कंपाउंड की एनालिसिस इजली कर सकते हैं। थैंक यू।